ऐ चादर में लिपटने वाले, उठो अब खबरदार करने लगो और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और शिर्क की गंदगी से तो अलग ही रहो और इस नियत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के ख्वाहा हो और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र करते रहो, फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान न होगा। मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसको बहुत सा माल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए और उसको हर तरह के सामान में वसत दी, फिर भी लालच रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये हमारी आयतों का बड़ा मुखालिफ रहा है। मैं इसे एक बड़ी चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर व फिक्र किया और एक बार ठहरा ली, ये मारा जाए इसने कैसी तजवीज की, फिर ये मारा जाए इसने ये कैसी तजवीज की, फिर इसने निगाह की, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेर कर चला और तकब्बुर किया, फिर कहने लगा ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है, फिर बोला ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है, मैं अनकरीब इसको सकर में दाखिल करूंगा